गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके, तो इसको जरा ध्यान से देखें। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, हम यहां देखते हैं कि यहां पर एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, यह फंक्शन दिया हुआ है। आप यहां देखेंगे यह वाई इक्वल टू एफ एक्स और साथ में x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए कौन सा हो जाएगा, ए वाला लाइन, और x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी यह लाइन है। इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ज्ञात कर लेंगे तो आपको इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। जी क्षेत्रफल पी क्यू एस आर पी, यह क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का यूज हम क्षेत्र रीजन, किसी भी रीजन का क्षेत्र ज्ञात, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आपको डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, तो हम यहां देखते हैं कि मान लो हमने एक एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एक्स आया और प्लस कॉन्स्टेंट आया, और इसकी लिमिट क्या है, अपर लिमिट बी है, और बी क्या है इसकी अपर लिमिट, ए यहां पर है लोअर लिमिट। ठीक है, तो फंक्शन का जब मान हम निकालेंगे तो पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे और फिर लोअर लिमिट का मान रखेंगे। ठीक है, तो इसका यह तरीका है कि मान लो हमने एफ एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन यदि हमको मान लो कैपिटल एफ एक्स प्राप्त हुआ और प्लस सी, तो इसकी लिमिट नीचे की लोअर है और ऊपर की अपर बी है, तो इसमें सबसे पहले एक्स के स्थान पर बी रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ बी प्लस सी माइनस, अब ए रिप्लेस करेंगे एफ ए प्लस सी, सी और सी कैंसल हो गया तो यह आ गया आपका एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर, तो आपको इस तरह से आपको डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन करना है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। इसमें हमको यहां देखिए इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है एक्स प्लस वन इंटू टी एक्स, तो इसको हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और वन का इंटीग्रेशन एक्स, और इस पर हम लिमिट रख देंगे माइनस वन टू वन, तो अब वन को रिप्लेस करेंगे तो वन अपॉन टू प्लस वन माइनस, अब माइनस वन को रखेंगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस माइनस वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन, थ्री बाई टू और ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू और माइनस माइनस प्लस वन बाई टू, कितना हो गया फोर बाय टू और इसकी वैल्यू आ जाएगी टू। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन करिए, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट दी है टू टू थ्री वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स और यहाँ लिमिट है टू से थ्री, तो यहाँ मान रखेंगे लॉग थ्री माइनस लॉग टू, तो यह मान आ जाएगा लॉग थ्री अपॉन टू, यह इसका आंसर होगा। इन क्वेश्चन में आप देखेंगे प्लस सी नहीं लिखना पड़ता है, इसमें प्लस सी कॉन्स्टेंट नहीं आएगा क्योंकि हमने आपको जब फंडामेंटल बताया था कि सी जो है
कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमको सॉल्व करना है 0 to 4 sin 2x dx। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -cos 2x/2 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 4। तो आप यहाँ देखिए -1/2 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर वैल्यू रखिए तो ये आ जाएगा cos 2 into 4, कितना हो जाएगा cos 8 -cos 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/2 cos 8 और cos 0 कितना हो गया 1। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा फोर्थ है वैसे ही फिफ्थ है, तो बिल्कुल सिमिलर है, तो फिफ्थ आप कर लीजिए। अब हम सिक्स को देखते हैं। तो इंटीग्रेशन 4 to 5 e^x (tx), तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा ES का इंटीग्रेशन होता है EX और इसकी लिमिट क्या रख देंगे 4 to 5। तो e^5 - e^4, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप सेवेंथ कर लेंगे। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा लिख के लाया क्या पता।